उसके बाद जो हम फैले पड़े सुबह से। हाँ मैं तक गया, मैं नहीं कर रहा तो सबको कि वन लाख व्यूज हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम तो बढ़िया हैं ही। और ये सैटरडे का इवनिंग का क्लिप है। मैं ऑफिस से सीधा चली गई थी पार्लर, बिकॉज मुझे थोड़ा सा रूट्स में टचअप कराना था। और वहाँ पर टचअप कराने के बाद मैंने किए अपने बाल सेट, ताकि संडे को मुझे कुछ भी काम ना करना पड़े और मैं फ्री रहूँ। बिकॉज़ पूरा हफ्ता इतना हेडेक हो जाता है ना कि लाइक संडे को कुछ करने का मन ही नहीं होता, और ऊपर से संडे को घर की साफ़ सफाई। सो इसलिए मैंने सोचा कि सैटरडे ही करा लेते हैं, थोड़ा लेट चले जाएंगे, कर कोई बात नहीं है। और वहीं पर अचानक मुझे लेने भी आ गए थे, तो बस यहाँ पर बाल सेट कराए मैंने। कैसी लग रही हैं मेरी जुल्फें तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। पकौड़ी, बारिश में पकौड़ी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया से बनाओ, एकदम तरीके से, सलीके से। करारी करारी होनी चाहिए मामला, समझे? करारा एकदम। मंदिर अंधेरा कायम रहे तब रात किसमिस। हाँ सुबह सुबह पकौड़िया पकौड़िया विद चाय। अच्छा जोर से बोलो। माइसेल्फ अचिन कुमार ने गाइस, माइसेल्फ अचिन कुमार ने, माय सिस्टर ने मनुतालिया एंड माय वाइफ, माय वाइफ ने निशुतालिया, बहन भी तालिया, बहु भी तालिया। हां तो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन। अच्छा ओके, एंजॉय इन। सुबह खा के पकौड़ी, उसके बाद जो हम फैले पड़े सुबह से। संडे इज मंडे तो भाई हमने सुबह से कुछ नहीं करा आज। सुबह पकौड़ी खाई, फिर उसके बाद में हम 3 घंटे तक हम फैले रहे, हमने मूवी भी देखी, फिर उसके बाद में हमने बाहर से मंगा लिया खाना, बिकॉज मेरा खाना बनाने का भी कोई मूड नहीं था, तब वो हो गया था, थक गए थे हम काम कर करके। और संडे को हमारा रहता है, हमें कुछ नहीं करना होता, ना हमें वीडियो अपलोड करनी होती, इवनिंग में एक दो मैं डाल देती हूँ, बाकी ना मुझे वीडियो अपलोड करनी होती, ना मुझे घर का कुछ काम करना होता, ना मुझे बाहर का कुछ काम करना होता, क्योंकि पूरे हफ्ते ऐसा रहता है। तो संडे को ऐसा लगता है बस फैले रहो, और बस फिर उसके बाद खाना खा के मैं सो गई। सोने के बाद उठे, चाय पिए, अभी एक दो रील शूट करी हैं और जस्ट वो अभी अपलोड करूँगी, और बस अब उठ के थोड़ा सा खाना वाना बनाते हैं। तो मैं सोचा अभी थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं, और बाकी तो कुछ हुआ नहीं है आज संडे में, और ये व्लॉग हम डाल देंगे कल। ऑफिस आने के बाद कैसी आदत हो जाती है? सामान तो फैले गई, 4 आदमी नहीं है ना, 2 आदमी है ना, तो दोनों गायब रहते हैं। लेट जाओ, पहले कुछ खाने के लिए दे दो। ओके यस, अभी सामान भी लगाना है तुम्हें। रील शूट करनी है मशीन में भी ना चलाने के लिए। नहीं, रील शूट करनी है, रील शूट करनी है, रील डालनी भी है, फिर तुम वीडियो डालनी है, वीडियो शूट करनी है। बट जो व्यूज आ रहे हैं उसको देख के आधी थकान तो वैसे तो होता है। वैसे तुमने बताया नहीं हमारे 1 लाख व्यूज पर, 1 लाख हो गए, वो उसका सेलिब्रेशन हम कर चुके हैं, उसका सेलिब्रेशन की जो वीडियो है वो हम डालने वाले हैं। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन मतलब थोड़ा सा तो बनता है ना, और हमारे हमारे लिए
हमारी जो फैमिली इतनी सारी अच्छी सी बन रही है उसको थैंक यू सो मच इतने सारे व्यूज देने के लिए. रोटी बनाते हुए थैंक यू सो मच. हाँ बिकॉज इतने सारे 1 लाख व्यूज मतलब मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रही थी. लोगों को कंफ्यूजन रहता है रोटी में बनाता हूँ शायद. हाँ देख लो रोटी में बनाती हूँ ये नहीं बनाते. और जो भी वीडियोस में डालती हूँ उस पर इतना सारा प्यार. और ऐसा नहीं है कि खाली व्यूज आ रहे हैं, वॉच टाइम भी अप्रोक्सीमेटली 20-20 घंटे का वॉच टाइम भी आ रहा है. सो हमारी प्यारी सी ऑडियंस को थैंक यू. जैसे कैसे मैं सारा काम निपटा लूंगी. 6 बजे से पहले मुझे रील्स भी शूट करनी है, मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, वो डालनी भी है. 8 बजे आपको खाना भी देना है बिकॉज आप 9 बजे जाओगे. खाने पर दे रही हूँ स्ट्रॉन्ग. अब मुझे टेंशन हो रही दिमाग में कि मैं कैसे करूं सारा मैनेज. और मुझे नींद भी आ रही, मैं थक गया. मैं भी 5:30 तक रेस्ट करते हैं उसके बाद करते हैं काम. ओके अब उनका इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कुछ नहीं होगा अभी घर में. किस टाइम से किस टाइम? जब तक विराट खेलेगा और राहुल खेलेगा. अच्छा और जो हमें शूट करना है वो कब होगा? अच्छा नहीं, रील शूट होनी है और मुझे वो भी करना है, मुझे तो एडिट करके भी डालना है. मुझे फीवर सा और फील हो रहा. विराट भाई, राहुल भाई जब तक खेले. मैं कह रही हूँ चेंज कर लो. विराट का शतक लग जाए, चेंज सब कर लूँगा.